आज के वीडियो में हम दोस्तों बाइपैप मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। बाइपैप मशीन का यूज कब किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल एडवांस टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बाइपैप मशीन का यूज किसी को अगर श्वास लेने की तकलीफ हो जाती है या सीओपीडी पेशेंट है, पल्मोनरी डिसीज है, अस्थमा जैसी बीमारी होती है तो डॉक्टर बाइपैप मशीन यूज करने की सलाह देता है। बाइपैप मशीन काम कैसे करता है? तो दोस्तों बाइपैप मशीन में दो प्रेशर होते हैं, एक प्रेशर जिसे हम आईपैप कहते हैं यानी कि इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दूसरा जो प्रेशर है उसे ईपैप कहते हैं यानी कि एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब दोस्तों आईपैप प्रेशर क्या करता है, जब हम श्वास लेते हैं तब हमें पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देकर अच्छी तरह से श्वास अंदर लेने में सपोर्ट करता है और बाहर से जो फ्रेश एयर है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा जो प्रेशर है वो ईपैप है, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तब हमें पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देकर हमारे श्वास को अच्छी तरह से बाहर निकालने में मदद करता है और फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों इसी तरह बाइपैप मशीन हमें श्वास लेने में और श्वास बाहर निकालने में सपोर्ट करता है। जिसको तकलीफ हो जाती है वो अच्छी तरह से श्वास ले भी नहीं पाते और श्वास निकाल नहीं पाते, उसको ये मशीन डॉक्टर यूज करने की सलाह देता है जिसकी मदद से वो अपने ब्रीद अच्छी तरह से ले सके और ब्रीद लेने में ये बाइपैप मशीन उसको सपोर्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं बाइपैप मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे पेशेंट पर उसको लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो बाइपैप मशीन है वो बीएमसी कंपनी का है, साथ में एक ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर क्या करता है, उसके अंदर पानी रहता है तो वो जो ड्राई एयर है उसको मॉइस्चराइज एयर में कन्वर्ट करता है और पेशेंट को देता है ताकि पेशेंट का गला सूखा ना हो जाए। और ये जो है वो फुल फेस बाइपैप मास्क कहते हैं, जो पेशेंट के फेस पर पूरा अटैच हो जाता है। ये जो बेल्ट है उसकी मदद से हम पेशेंट पर ये बाइपैप मास्क लगा देते हैं। ये जो है वो ट्यूबिंग है जो बाइपैप और फुल फेस मास्क को कनेक्ट करती है। दोस्तों ह्यूमिडिफायर में पानी बना रहता है तो वाटर चैम्बर को आप इस बटन को प्रेस करके बाहर निकालना है, उसका ढक्कन खोलकर अंदर पानी जो आरओ वाटर है या फिर कोई शुद्ध पानी आप डाल सकते हो और ह्यूमिडिफायर को हर रोज क्लीनिंग करना है, उसमें से पानी निकालकर उसको बराबर क्लीन करना कर देना है। अब दोस्तों ह्यूमिडिफायर को बाइपैप के साथ कैसे अटैच करते हैं, तो ये बटन प्रेस करके हम बाइपैप और ह्यूमिडिफायर को दूर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और इस तरह से हम बाइपैप और ह्यूमिडिफायर को लगा सकते हैं। ये जो ट्यूबिंग है उसका एक पॉइंट जो है वो बाइपैप में लगेगा, दूसरा पॉइंट जो है वो बाइपैप के जो मास्क है फुल फेस मास्क है उसके ऊपर लगेगा और मास्क को आपको ये बेल्ट की मदद से पेशेंट को इस तरह से अच्छी तरह से लगा देना है। अब दोस्तों हम बाइपैप मशीन को चालू करेंगे और उसके अंदर बाइपैप का सेटिंग्स करेंगे। दोस्तों बाइपैप के अंदर जनरली दो प्रेशर रहते हैं, एक है आईपैप दूसरा है ईपैप। आईपैप जो है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू ईपैप, ईपैप कम रहता है। प्रेशर कितना रहता है वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आपको चलना है और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ही आपको चलना है। सबसे पहले मशीन को चालू करेंगे, उसके बाद हम मोड सिलेक्ट करेंगे, बाइपैप मोड को सिलेक्ट करेंगे। किसी के अंदर एसटी मोड भी लिखा रहता है, एसटी मोड को बाइपैप मोड ही कहा जाता है। दोस्तों इस मशीन के अंदर आईपैप प्रेशर है और ईपैप प्रेशर है, तो आईपैप के अंदर दो है, आईपैप मैक्सिमम और आईपैप मिनिमम। आईपैप मैक्सिमम जो है उसको 13 सेट करेंगे और आईपैप मिनिमम है उसको 10 सेट करेंगे, यानी कि जो आईपैप प्रेशर है वो 10 से कम नहीं होगा और 13 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि 10 और 13 के बीच में रहेगा। कोई दूसरा मशीन है दूसरी कंपनी का है उसके अंदर आईपैप एक ही प्रेशर रहता है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम रहता नहीं है, तो आप 12 सेट करोगे तो वो 12 के अराउंड उसको प्रेशर देगा। अब ईपैप जो है वो हम 5 सेट करेंगे। दोस्तों ये जो प्रेशर है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आपको सेट करना है। दोस्तों प्रेशर सेट करने के बाद हम रेस्पिरेशन रेट सेट
करेंगे। यहाँ पर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो मैंने 15 रखा है, यानी कि बाईपैप मशीन 15 बार पेशेंट को ब्रीद देगा। और अगर बीच में पेशेंट कोई अपने आप से खुद से दूसरे भी एक्स्ट्रा ब्रीद लेते हैं तो उसको बाईपैप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो भी ब्रीद वो खुद से ले सकता है। तो टोटल मिला के जो 15 है और दूसरे पेशेंट ने 4-5 एक्स्ट्रा ले लिया है ब्रीथ, तो टोटल जितने भी होता है वो हमको मेन डिस्प्ले पर बाहर दिखाएगा कि पेशेंट इस कंडीशन के अंदर कितने ब्रीथ कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बाईपैप को चालू करना है। जब चालू करते हैं तो पेशेंट को आपको 5 मिनट समझाना रहेगा कि बाईपैप चालू किया, फिर पेशेंट को कहना है कि भाई श्वास लो, आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ो, फिर से श्वास लो, श्वास छोड़ो, ये आपको समझाना रहेगा। वरना क्या होगा कि बाईपैप और पेशेंट दोनों को प्रेशर फाइट करेंगे। दोस्तों एक बार आप समझा लेते हो तो वो पेशेंट समझ जाता है कि मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। जब वो श्वास लेने का एक बारीक सा इशारा करेगा, एक्शन करेगा, तो तुरंत उसको बाईपैप श्वास दे देगा। और जब वो थोड़ा सा इशारा करेगा श्वास बाहर निकालने का, तो बाईपैप तुरंत उसके अंदर से श्वास बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से दोस्तों बाईपैप मशीन काम करता है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरा ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें, ताकि वो जान सके कि बाईपैप का यूज सही तरीके से कैसे करना है, उसमें प्रेशर कैसे सेटिंग्स करना है, ह्यूमिडिफायर में पानी कैसे भरना है, ये सब मैंने बताया, तो वो लोग भी जान सके। और हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।